प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचे और सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोबेशनरी IAS अफसरों को संबोधित भी किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। देश के पहले सी प्लेन ने अपना पहला सफर पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सी प्लेन के पहले पैसेंजर बने। इस सी प्लेन से पीएम मोदी ने केवड़िया से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट तक यात्रा की। सी प्लेन कई मायने में खास है। यह हल्का होता है और कम ईंधन में उड़ान भर सकता है। सी प्लेन असल में ट्विन ऑटर 300 सी प्लेन है। इसका वजन 3,377 किलो है। इसमें 1,419 लीटर तक पेट्रोल भरा जा सकता है। हर एक घंटे की उड़ान के लिए ये सिर्फ 272 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले सी प्लेन का उद्घाटन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी प्लेन से केवड़िया से साबरमती की यात्रा पर निकले हैं। इस सी प्लेन सेवा के जरिए लोग अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के केवड़िया से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में एकता क्रूज का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने इस क्रूज पर सफर किया। पीएम ने इस क्रूज से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक की यात्रा की। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। अपने आप में एक अनोखा अनुभव, पानी पर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हुआ और उसके बाद वहीं से टेक ऑफ। सी प्लेन की उड़ान आकाश का एक नया विस्तार, उम्मीदों का आकाश, उन उम्मीदों को पूरा करके तलाश को और विस्तार देने का आकाश।